तीज 2024 डेट हरियाली तीज कब जाने 6 या 7 अगस्त कब रखा जाएगा व्रत। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुंज ऑफिशियल आवर योर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बेल आइकन उसे प्रेस जरूर कर लें ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। आज के वीडियो में हरियाली तीज 2024 कब है, हरियाली तीज कब रखा जाएगा 6 या 7 अगस्त को। हरियाली तीज का व्रत श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन रखा जाता है। ये व्रत सुहागन और कुंवारी कन्या दोनों ही रखती हैं। हरियाली तीज का विशेष महत्व है। दरअसल हरियाली तीज पर माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं कब है हरियाली तीज। हरियाली तीज का पर्व हर साल श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि के दिन मनाया जाता है। हरियाली तीज को श्रावणी तीज भी कहा जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना करके इस व्रत को करती हैं। वहीं कुमारी कन्याएं अच्छा वर पाने के लिए ये व्रत रखती हैं। हरियाली तीज का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं हरियाली तीज की तारीख और महत्व। हरियाली तीज कब है? पंचांग के अनुसार सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 6 अगस्त को शाम में 7:53 पर तृतीया तिथि का आरंभ हो रहा है और 7 अगस्त को रात में 11:06 पर समाप्त होगी। ऐसे में हरियाली तीज का व्रत 7 अगस्त को ही रखा जाएगा। हरियाली तीज का महत्व। हरियाली तीज को लेकर मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था, इसीलिए इस दिन का विशेष महत्व है। महिलाएं इस दिन 16 श्रृंगार करके माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना करती हैं। इस व्रत को करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि हरियाली तीज का व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने किया था, जिस फलस्वरूप उन्हें भगवान शिव उन्हें पति के रूप में प्राप्त हुए। इसी के साथ कुंवारी कन्याएं भी मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं। हरियाली तीज के दिन ही भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया था। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति पर माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। साथ ही इस दिन हरे रंग का भी विशेष महत्व होता है। हरे रंग की चूड़ियाँ और हरे रंग के वस्त्र पहनने का रिवाज है। ऐसा इसलिए क्योंकि शास्त्रों में महिलाओं को प्रकृति का रूप माना गया है। कैसा लगा आप सभी को हमारा ये हरियाली तीज वीडियो, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट।